माय ट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। कल आंधी और तूफान के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका। मैं इस वीडियो में आपको 29 एंड 30 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन जी को। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थ नीतियों से अन्याय असमानता बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमर्त्य सेन जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डेट है 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किस भारत वंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुण वेंकट रमण जी को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकट रमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार को विश्व सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य के राज्यपाल। बात करें हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन चुका है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। चलिए आपको हरियाणा के बारे में बातें, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, कैप्टन चंडीगढ़ फर्स्ट CM भगवत दयाल शर्मा जी, लोकसभा सीट 10 राज्यसभा सीट 5 टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें चीफ जस्टिस के तो रविशंकर झा जी। बात करें आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अनातोले कोलिनेट मकाशो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कांगो देश का। बात करें कांगो का राज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो न्यूगासो ने अनातोले कोलिनेट मकाशो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस नियुक्ति से पहले मकाशो मध्य अफ्रीका देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 राज्यों में। बात करें खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र मिजोरम गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। चलते हैं
आपको सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग, सेकंड डिजिट है 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरिया देश के। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 उम्मीदवारी किसको हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले हैं। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में शेख महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस मंत्रालय ने हाल में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय ने। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजनाओं को भी शामिल किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर CNR राव जी को। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोफेसर CNR राव जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेजन ने। बात करें अमेजन और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा, इसके तहत अमेजन $8.45 अरब में MGM का अधिग्रहण करेगी। MGM स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोय और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। चलिए आपको अमेजन के बारे में बताते हैं, बात करें अमेजन का गठन 5 जुलाई 1994 को हुई थी। चेयरमैन पर्सन एंड CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेजन का स्लोगन आप लोग याद कर लें, वर्क हार्ड हैव फन मेक हिस्ट्री। चलते हैं आपको थर्ड डिजिट बता दें, थर्ड डिजिट है 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कोविड की लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार द्वारा कितने देशों में अपने उच्चायोग यानी दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 दूतावासों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों या
दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत और किस देश ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओमान देश ने। भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आज का, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी वीआर सुब्रमण्यम जी को। केंद्र सरकार ने 1987 बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वीआर सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है। वे 30 जून से ही वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बी वी आर सुब्रमण्यम जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बात करें सैंगसिंग गुड़ई शहर में 6 वली के गड्ढे खोजे गए या किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना देश में। पुरातत्वविदों ने हाल ही में सैंगसिंग गुड़ई में 6 वली की गड्ढों की खोज की है। कहा जाता है कि इन गड्ढों में सोने और कांसे के मुखट्टे सहित लगभग 500 कला कीर्तियां हैं। सैंगसिंग गुड़ई एक प्राचीन चीनी शहर है जो बीजिंग में लगभग 1500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ कलाकृतियां लगभग 3000 साल पहले की हैं जब चीन के इस हिस्से पर शू साम्राज्य का शासन था। चलते हैं अब आपको चाइना के बारे में आते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर। बात करें पार्लियामेंट नेम की तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए पिछले दिन के वन करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। बात करें कैस्पर रूड ने जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए पे कोर के साथ भागीदारी की है। बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत विश्वास शर्मा को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। चाइना देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रेलवे ने हाल ही में पहलवान सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है। गुजरात भारतीय राज्य ने 2021 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया है। रिकॉर्ड बनाने वाले अमेरिकी ओलंपिक धावक का निधन हो गया, उनका नाम है ली हिवांस। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था इंटरनेट एक्सप्लोरर कब सेवानिवृत्त होगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जून 2022 में। क्वेश्चन टू था NHA ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य के साथ। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन
टू की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही वीकली, मंथली और डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आज रात 8 बजे आप लोग वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को देखना ना भूलें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, लास्ट डिजिट है 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।